द हेयर हेल्थ शो के प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे ऐसी समस्या के बारे में जो आम तौर पर लोगों के बालों में देखी जाती है, यानी डैंड्रफ, जिसे आम बोलचाल में हम रूसी या सिकरी भी कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर। डॉक्टर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि डैंड्रफ क्या होता है। हमारी स्किन स्क्विमस एपिथिलियम से बनी होती है और स्क्विमस एपिथिलियम कुछ अंतराल के पश्चात कॉर्नियोसाइट्स को शरीर से बाहर निकालता है स्किन के जरिए। तो ये जो कॉर्नियोसाइट्स होते हैं ये डेंड्रा का रूप ले लेते हैं और वाइट स्केली लेजन्स के लिए के रूप में या वाइस के लिए पाउडर के रूप में हमें नजर आते हैं। और जब ये स्कैल्प पे होते हैं या स्कैल्प के साथ चिपके होते हैं या बालों में होते हैं तो इसे डेंड्रफ बोला जाता है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूंगी कि डेंड्रफ किन कारणों से होता है? क्या सभी पेशेंट को एक ही तरह से डेंड्रफ होता है या सभी को अलग अलग वजह से डेंड्रफ हो सकता है? डेंड्रफ दो प्रकार का होता है। एक डेंड्रफ वो होता है जो स्किन बार बार बदलने से स्क्विमस एपिथीलियम से जो स्केल्स निकलते हैं, कॉर्नियोसाइट्स निकलते हैं, उससे डेंड्रफ बनता है। और दूसरे प्रकार का डेंड्रफ सिबोरिक डर्मेटाइटिस या ऑयली स्कैल्प की वजह से बनता है। ऑयल ज़्यादा बनने की वजह से प्लगिंग हो जाती है और प्लगिंग डेंड्रफ का रूप ले लेती है। और कई बार ये डेंड्रफ स्कैल्प के साथ साथ पूरे सिर के अंदर और कंधों तक या आस पड़ोस की जगह जो हमारे कान है उसके नीचे और आस पड़ोस पे भी फैल जाता है, तब ये बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है। डॉक्टर, कई बार सुनने में आता है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है उस हिसाब से डैंड्रफ होती है। आमतौर पर सुना जाता है कि अगर ठंडियों का टाइम आता है, सर्दियों का मौसम आता है तो रूसी बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? ये संबंध मौसम का नहीं कहना चाहिए, ये संबंध इस तरह से हम देख सकते हैं कि सर्दियों के अंदर वॉशिंग फ्रिक्वेंसी बालों की है वो कम हो जाती है। आमतौर पर सर्दियों में लोग बालों को कम साफ करते हैं, बालों को कम धोते हैं, तो जिसकी वजह से डैंड्रफ बार बार और जल्दी जल्दी से सिर के अंदर आने लगता है। इसलिए सर्दियों के अंदर डैंड्रफ गर्मियों की अपेक्षा या और मौसम की अपेक्षा ज्यादा दिखाई देता है। तो आप हमें बताइए कि डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डैंड्रफ के कारणों को जान के हम बड़ी आसानी से डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि डैंड्रफ के कारणों में ऑयली स्कैल्प एक बहुत बड़ा कारण है। सिबोरिक स्किन जिन लोगों की होती है उनको डैंड्रफ जल्दी होता है। सिबोरिक स्किन की टाइप को हम नहीं बदल सकते, जो प्रकृति ने जो नेचर ने हमें स्किन दी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी आदतों से उसको पेसिफाई कर सकते हैं। बहुत सारा फाइबर यूज़ करें, बहुत सारा पानी, 7 से 8 गिलास पानी हमारी स्किन को या बालों को चाहिए होता है। मिनरल्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स के अलावा प्रोटीन विटामिन चाहिए होते हैं। संतुलित भोजन हम लें, बढ़िया नींद लें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस फ्री रहने का अभ्यास करें। इन सब चीज़ों को करने से काफ़ी हद तक हम डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी डेंड्रफ कंट्रोल नहीं होता तो एंटी डेंड्रफ शैम्पूस जो आते हैं उनका हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल डेंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। अगर किसी इंसान को डेंड्रफ है तो उसे किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए डेंड्रफ होने के दौरान? इन्हीं बातों का जो मैंने आपको बताया कि हम अपने दिनचर्या में, अपने रहन सहन में परिवर्तन करें, आधुनिक जीवन शैली की भाग दौड़ में अपने बालों की जो हम केयर नहीं कर पाते हैं उसको सही से केयर करें। और अगर डेंड्रफ हो जाती है तो होने के बाद हम अगर वो रूटीन केयर से ठीक नहीं हो पा रही है तो हम अच्छे ट्रैकोलॉजिस्ट की या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की, जो हमारा त्वचा रोग विशेषज्ञ है या बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, उसकी जल्द से जल्द सलाह लें ताकि इसको बढ़ने से बचाया जा सके। डॉक्टर, आपने डैंड्रफ से जुड़ी हमें तमाम जानकारियां दी कि इस दौरान अगर डैंड्रफ किसी को होता है तो उसे किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बालों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.vhchairclinic.com पर लॉगिन कर सकते हैं और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-3010-3018 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं VHCA हेयर क्लिनिक के बारे में। सन 1928 में वैद्य श्री हुकुमचंद अग्रवाल जी द्वारा स्वास्थ्य सेवा के रूप में शुरू किया गया सिलसिला आज VHCA हेयर क्लिनिक के रूप में आपके सामने है। लगभग 86 सालों में VHCA केवल जन स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों से भी निरंतर जुड़ रहा है। VHCA को हेयर क्लिनिक के रूप में लाने का श्रेय आयुर्वेद एवं समाज सेवा में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को ही जाता है। दरअसल बालों की समस्याओं का क्षेत्र सदा से ही उपेक्षित पड़ा रहा है। बालों की बढ़ती समस्याओं और उनके कारगर इलाज के अभाव की तरफ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल का ध्यान गया। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अब तक लाखों रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करना उनकी अनुभव कुशलता को दर्शाता है। अब डॉक्टर अग्रवाल फ्रेंचाइजी के माध्यम से पूरे भारत में VHCA हेयर क्लिनिक की शाखाएं खोलने में कार्यरत हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को
बालों की समस्याओं से मुक्त किया जा सके। VHCA हेयर क्लिनिक देश का एकमात्र ऐसा क्लिनिक है जो बालों की समस्याओं का हर संभव उपचार उपलब्ध करवाता है। सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे देना VHCA हेयर क्लिनिक ने ही संभव किया है। आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा इलाज, अत्याधुनिक ट्राइकोस्कोपी मशीन द्वारा बालों की जांच, हर्बल हेयर स्पा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर विग एवं हेयर पैच, लेजर स्टिमुलेशन जैसी सुविधाओं के साथ साथ अत्याधुनिक PRP और स्टेम सेल थेरेपी की सुविधा भी VHCA हेयर क्लिनिक पर उपलब्ध है। वर्तमान में VHCA हेयर क्लिनिक इन शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है: करनाल, घरौंडा, सोनीपत, नोएडा, फरीदाबाद, भिवाड़ी, रेवाड़ी। VHCA हेयर क्लिनिक बालों के प्रति समर्पित संस्थान है। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में VHCA हेयर क्लिनिक अगले 5 सालों में 100 हेयर क्लिनिक स्थापित करने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है।